दोस्तों इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 9 और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे लिखा हुआ आईलेक्स। यानी कि भैया इस वक्त मैं जमशेदपुर के आईलेक्स सिनेमा में पहुंचा हूं जर्सी को देखने के लिए, क्योंकि आज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है इस फिल्म को लेकर। ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको दी है कि भैया ये फिल्म साउथ की एक सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि जर्सी की ही ऑफिशियल रिमेक है, जिसमें साउथ के बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि नानी नजर आए थे। और भाई इस फिल्म का जो रिमेक बना है यानी कि जर्सी का, तो भैया इसमें नज़र आ रहे हैं शाहिद कपूर, उनके साथ में मृणाल ठाकुर और शाहिद कपूर के पापा यानी कि पंकज कपूर। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार काफ़ी गर्म है। इस फिल्म को लेकर दर्शक बस एक ही बात कह रहे हैं कि भाई भले ही ये फिल्म रिमेक हो, लेकिन हम इस फिल्म को बस इसलिए देखने जाएंगे कि भैया इस फिल्म में शाहिद कपूर ने कैसा काम किया। यानी कि भैया उम्मीद किया जा रहा है कि शाहिद कपूर अपने बेहतरीन अभिनय के माध्यम से इस फिल्म को ऊपर उठा देंगे। तो भैया फिल्म चालू हो चुकी है और फिल्म की कहानी के बारे में तो हम लोग पूरी तरीके से जानते हैं। यानी कि अगर आप लोगों ने इस फिल्म को यूट्यूब पर देख लिया होगा, यानी कि इसका हिंदी वर्जन ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया कहानी आपको नहीं पता होगी, लेकिन मैं इतना उम्मीद कर सकता हूं कि शाहिद कपूर अपने बेहतरीन अभिनय के माध्यम से इस फिल्म को ऊपर उठाएंगे और ऑडियंस को एक बार फिर से कबीर सिंह की ही तरह खींचने में कामयाब हो जाएंगे। तो भाई फिल्म चालू हो चुकी है, मैं अंदर जा रहा हूं। फिल्म देखने के बाद आपको बताता हूं कि भैया इस फिल्म में शाहिद कपूर ने काम कैसा किया और इस बार क्या एक बार फिर से भैया इस फिल्म के जो ओरिजिनल डायरेक्टर हैं, जिन्होंने भैया इसका ओरिजिनल वर्जन भी डायरेक्ट किया था, वो अपना जादू भैया हिंदी वर्ल्ड में दिखा पा रहे हैं कि नहीं। तो चलते हैं अंदर, फिल्म देखने के बाद मैं आपको बताता हूँ फिल्म के बारे में।